अजन्मी बेटी का श्राद्ध। पितृपक्ष की अमावस्या का दिन था। सुबह से ही घर में श्राद्ध की तैयारी चल रही थी। आज ससुर जी का पहला श्राद्ध था। सास का कहना था कि ससुर जी का श्राद्ध पूरे विधि विधान से होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समय से पंडित जी और बाकी अतिथि भी आ गए। पंडित जी ने पूजन प्रारंभ कर दिया। पूजन समाप्त होने वाला ही था कि तभी अभी अभी प्रसव की पीड़ा सह चुकी शिखा बदहवास सी आई और चीख कर बोली, पंडित जी, मुझे अपनी अजन्मी बेटी का भी श्राद्ध करना है, जिसे मेरी सास और पति ने जबरदस्ती मेरी कोख में मार दिया, क्योंकि इनको बेटा चाहिए था और लिंग परीक्षण में पता चला था कि मेरी कोख में बेटी है। फिर डॉक्टर को पैसे देकर इन लोगों ने मेरा जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया। पंडित जी और बाकी अतिथियाँ सुनकर गुस्से में आ गए। सास और शिखा का पति परिस्थिति संभालने की कोशिश करने लगे। सबको यह बताने लगे कि मेरी एक बेटी पहले से थी, इसलिए बेटा सोचा। पर तीन बेटियों के पिता पंडित जी वहां से उठ खड़े हुए और बोले, यजमान, मैं यहाँ का जल तक ग्रहण नहीं करूँगा। जहाँ ऐसा पाप हुआ है, मेरी भी तीन बेटियाँ हैं। मेरी बेटियाँ इस काबिल हैं कि मुझे उन पर गर्व है। एक बेटी पुलिस में है, एक अध्यापिका है और एक अभी पढ़ रही है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। बाकी अतिथि भी चले गए। शिखा आंसू भरी आंखों से अपनी अजन्मी के नाम का भी श्राद्ध कर रही थी।